दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है यह भी तय हो जाता है। जनता गड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को लेकर के काफी हमलावर हो रही हैं। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। दोनों पार्टी के नेता जुबानी हमला करने में भी नहीं चूक रहे हैं। समाजवादी पार्टी कभी हमला करती है तो कभी बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमला करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार समाजवादी पार्टी पर कई सारे बड़े आरोप लगा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, खासकर 2017 से पहले जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस तरह से माफियाओं, गुंडों, दंगाइयों का यहाँ पे कब्जा था, इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इधर बीते कई दिनों से समाजवादी पार्टी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाना साधा है। तो ही अंबेडकर नगर में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि 2017 से पहले जो दंगाई थे, जो गुंडे थे, जो माफिया थे, 2017 के बाद से जब हमारी सरकार आई तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया। साथ ही जो लोग अपने आप को बड़ा रसूबा वाला समझते थे उनका राम नाम सत्य कर दिया। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। धरती ऋषि मुनियों की धरती है, अयोध्या प्रांत की धरती है, महात्मा श्रवण की, मातृ और पितृ भक्ति की धरती है। अनेक सिद्धों, संतों, ऋषियों ने अपनी पवित्र साधना से इस धरती को पवित्र किया, तो भारत माता के तमाम सपूतों ने भी भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के उपरांत भी अपना सर्वस्व बलिदान भारत के लिए किया, भारत की माटी के लिए किया। यह कर्म साधना की धरती है, श्रम साधना की धरती है, और इसीलिए तो यहाँ का अन्नदाता किसान भी अपनी मेहनत से देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहन और भाइयों, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बहन और भाइयों का अम्बेडकर नगर वासियों को बधाई देते हुए अपनी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहन और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं आज जो आपको प्राप्त हो रहे इतनी आसानी के साथ, आज जो सुरक्षा का वातावरण है, आज जो विकास गांव गांव तक पहुंचने के साथ जुड़ रहा है, क्या ये 2017 के पहले भी संभव था क्या? बहन और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश आप सबसे किसी से भी अछूता नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर था, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी, या अंबेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाडा जनपद के ही निवासी, हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अंबेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था।